जय श्री माता जी। मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव सहज में आने का, जैसा कि आपने सुना भी, डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि मेरी पत्नी बड़ी हैरान हुई कि मैं भगवान से मिल के आया हूँ। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे लगा हे भगवान हे परमात्मा, मैंने बार बार यही कहा हे भगवान हे परमात्मा, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और मन ही मन हंस भी रही थी कि ऐसे व्यक्ति को तूने साक्षात मिल गए और मैं आपकी पूजा करती हूँ, मुझे भी मिलो। तो फिर मैंने ऐसी बात कह के और मैंने खाना वाना बना के, फिर जब ये सोने लगे तो ये कुंडली उठाने लगे, बंधन लेने लगे, तो मैं देख के घबरा गई। मैंने कहा हे माँ, मैं तो तेरी पूजा करती हूँ और ये क्या कर रहे हैं, ये किसी तंत्र मंत्र में तो नहीं फंस गए? पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस विषय पर झगड़ा हो जाता। तो दो तीन दिन बाद मैंने कहा जब आप ये करते हैं ना, मैं भी जाऊंगी इधर, मैं भी देखूंगी। मैं तो ये देखने के पर्पस से गई थी कि यहाँ ये लोग क्या करते हैं। तो फिर 3 दिसंबर 1989 को मैं चन्ना साहब के घर गई और बड़ी उत्साहित थी कि या तो परमात्मा मिलेंगे या कुछ भंडा फोड़ हो जाएगा, कुछ तो दोनों में से एक बात होगी। तो मैं गई वहाँ पर, बड़े तेजस्वी चेहरे, बड़े ही लोग इतने अच्छे से बोल रहे और इतने उसे कह रहे आइए बैठिए। तो मैं डरने लगी, मैंने कहा पता नहीं ऐसा ना हो ये मुझे भी कुछ कर दें। तो मेरे को चाना अंकल बोलते हैं बेटा बैठो, पहले तो मैं बैठ गई, फिर उठ के बाहर आ गई, फिर वो बाहर आए फिर कहते बेटा बैठो, फिर मैं बैठ गई, फिर मैं जैसे उन्होंने कहा हाथ फैला के बैठो, तो मैं हाथ फैला के बैठ गई और 5-10 मिनट के अंदर मेरी आँखें बंद होने लगी और मैं बैठ गई और मुझे एकदम पीस ऑफ माइंड हो गया। तो फिर कहने लगे आरती के लिए खड़े हो जाओ, और मेरा आरती के लिए खड़े होने को दिल नहीं था। फिर आरती के बाद उन्होंने सबसे पूछा भी आपको कैसा लगा, आप पहली बार आए हैं। मैं डरूं बताने में भी और नहीं भी बताने में, अब क्या करूं। मैंने कहा जी मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे दोनों हाथों में किसी ने बर्फ़ की सिल्लियाँ रख दी हो, इतना ठंडा, मगर कुछ निकलता हुआ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये लग रहा था बहुत ही ठंडा हारा हाथों में और किसी ने बर्फ़ की सिल्लियाँ रख दी हो। तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है। तो कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यहीं हाथों में नहीं लग रहा, कोहनी तक लग रहा है और नीचे भी हो रहा है ठंडा ठंडा। कह रहे आप ना नीचे से ऊपर करो, तो मैंने ऐसे नीचे से ऊपर किया तो ये वाइब्रेशन का फ्लो बढ़ गया। मैंने कहा ये तो अब और तेज हो गया। तो मैं डरने लगी पर मैं डरी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत अच्छा हुआ है। फिर उसके बाद वो कहने लगे आप ना चाय पी के जाना। हम चाय पीने लगे, चाय पीते ही जैसे ही मैंने माँ की फ़ोटो को देखा तो माँ का जो दाहिना हाथ था ना वो ऐसे था महालक्ष्मी स्वरूप। तो मैंने माँ से जैसे ही, फिर सब कुछ तृप्ति होने के बाद जैसे ही मैंने माँ को देखा और माँ से कहा माँ मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 89 में हम आए, 88 की मेरी छोटी बेटी थी। तो मैंने कहा माँ मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, घर पे अकेले हैं, बहुत देर हो गई। माँ ने कहा ऐसे हाथ हिला दिया, चिंता मत करो। मैंने कहा हाँ ये तो बात कर रही हैं, चिंता मत करो। फिर मैंने ज़ोर से कहा माँ मेरे बच्चे, फिर माँ ने ज़ोर से हाथ हिला दिया। फिर मैंने कहा ये तो ज़ोर से जैसा पूछ रही हूँ वैसा ही हाथ हिला रही हैं। फिर मैंने बहुत ज़ोर से पूछा माँ मेरे बच्चे, माँ ने बहुत ज़ोर से हाथ हिलाया। तो श्री माता जी की ऐसी हाथ हिलाते हुए को मैंने कहा अच्छा घर जाके देखती हूँ क्या होगा। तो देखा तो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आए हुए थे और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, माँ की कृपा में थे। और हम उस दिन का दिन है, आज का दिन है, हम सहज से नहीं भटके और जहाँ भी मौका मिलता है सहयोग का प्रचार प्रसार करते हैं। आप भी करिए, चाहे आप पर कोई हंसे या ना हंसे, आपकी बात सुने या ना सुने, आपको सिर्फ और सिर्फ सहज की बात बतानी है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री माता जी।